एमएसएन में स्वागत है आपका। तो 490 तक सेक्शन डी में आइडियम एंड फ्रेजेज में 490 तक हो गया था, 491 पेज नंबर 491 पर देखते हैं। पहला लिखा है 491 में इन वंस माइंड्स आई, इन वंस माइंड्स आई मतलब किसी की कल्पना में, इन वंस माइंड्स आई मतलब किसी की कल्पना में, इन वन इमेजिनेशन। अगला है इन ए जिफी जे आई डबल एफ वाई, इन ए जिफी में सोता है वेरी सून अर्थात बहुत शीघ्र। नेक्स्ट है इन रैक्स, इन रैक्स माने होता है इन टैटर्ड क्लॉथिंग फटे हाल में, इन रैक्स माने इन टैटर्ड क्लॉथिंग फटे हाल में। नेक्स्ट है The ins and outs of, the ins and outs of मतलब किसी चीज का पूर्ण ज्ञान होना। नेक्स्ट इन द फ्लेश, इन द फ्लेश में सोता है रियली प्रेजेंट अर्थात निगाह के सामने जीवित अवस्था में। नेक्स्ट इन द पिंक, इन द पिंक में सोता है इन ए गुड हेल्थी कंडीशन अर्थात एकदम स्वस्थ, इन ए गुड हेल्थी कंडीशन एकदम स्वस्थ, इन द पिंक का अर्थ होता है। इन द रेड, इन द रेड मीन्स होता है इन डेब्ट अर्थात कर्ज में होना। नेक्स्ट इन द प्राइम ऑफ लाइफ, इन द प्राइम ऑफ लाइफ मीन्स इन द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रोलिफिक पीरियड ऑफ वंस लाइफ अर्थात जीवन में सबसे सुनहरी अवधि, इन द प्राइम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग समथिंग, इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग समथिंग मीन्स होता है सर्विंग एज मीन्स प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल अर्थात साधक एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है गेट इन टू ऑफ ए रट, आर यू टी रट, गेट इन टू ऑफ ए रट, गेट इन टू ऑफ ए रट मीन्स स्टक इन ए फिक्स्ड मोनोटोनस स्टेट ऑफ थिंग्स अर्थात दैनिक कार्यक्रम में फंसना, गेट इन टू ऑफ ए रट, आर यू टी रट। नेक्स्ट है इन लाइन विद समथिंग, इन लाइन विद समथिंग मीन्स होता है के अनुसार, इन लाइन विद समथिंग मीन्स के अनुसार। नेक्स्ट है इन आइवोरी टावर, आई वी ओ आर वाई, एन आइवोरी टावर मीन्स होता है एकांत जीवन, सेकुलिज्म या विथड्रॉल फ्रॉम हार्श रियलिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड, यानी एन आइवोरी टावर मतलब एकांत जीवन। अगला है जॉग ट्रॉट, टी आर ओ टी ट्रॉट, जॉग ट्रॉट माने बहुत धीरे चलना, जॉग ट्रॉट माने बहुत धीरे चलना। अगला है जॉली गुड फेलो, जॉली गुड फेलो मीन्स होता है said of a person who is social, carefree and amiable by nature, यानी मौजी या विनोदी व्यक्ति, jolly good fellow मतलब मौजी विनोदी व्यक्ति। Next है jumping down my throat, jumping down my throat, T H R O A T, jumping down my throat means होता है किसी से गुस्से में बात करना, speak to somebody in an angry critical way, jumping down my throat माने किसी से गुस्से में बात करना। नेक्स्ट है जूडास किस, जूडास किस माने दया के भाव में छिपा विश्वासघात, जे यू डी ए एस जूडास किस, जूडास किस माने एनी एक्ट ऑफ ट्रीजरी अंडर द गाइज ऑफ काइंडनेस अर्थात दया के भाव में छिपा विश्वासघात। अगला है जंपिंग ऑफ पॉइंट, जंपिंग ऑफ पॉइंट माने कुछ भी शुरुआत करने का सिरा, जंपिंग ऑफ पॉइंट मतलब कुछ भी शुरुआत करने का सिरा, ए पॉइंट और प्लेस फ्रॉम विच टू मेक ए स्टार्ट, जंपिंग ऑफ पॉइंट। अगला है जंप्ड आउट ऑफ हिज स्किन, जंप्ड आउट ऑफ माय स्किन, तो जंप्ड आउट ऑफ माय स्किन मीन्स होता है बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड अर्थात चकित रह जाना, जंप आउट ऑफ माई स्किन। नेक्स्ट है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड माने होता है सफलता की कामना करना, टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस सफलता की कामना करना।
तो ये तो 491 हुई, एक बार फिर देख लेते हैं। इन वंस माइंड्स आई किसी की कल्पना में, इन ए जिफी बहुत शीघ्र, इन रैग्स फटे हाल में, दी इन्स एंड आउट्स ऑफ किसी चीज का पूर्ण ज्ञान होना, इन दी फ्लेश निगाह के सामने जीवित अवस्था में, इन दी पिंक एकदम स्वस्थ, इन दी रेड कर्ज में होना, इन दी प्राइम ऑफ लाइफ जीवन में सबसे सुनहरी अवधि, इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग समथिंग, इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग समथिंग मीन्स होता है साधक एक महत्वपूर्ण भूमिका, गेट इनटू ऑफ ए ट्रट ए रट आर यू टी रट, गेट इनटू ऑफ ए रट मतलब दैनिक कार्यक्रम में फंसना, इन लाइन विद समथिंग के अनुसार, इन आइवोरी टावर एकांत जीवन, जॉग ट्रोट जी ओ जी ए जे ओ जी जॉग ट्रोट मतलब बहुत धीरे चलना, जॉग ट्रोट टी आर ओ टी, जॉली गुड फेलो, जॉली गुड फेलो माने मौजी विनोदी व्यक्ति, जे ओ डबल एल वाई जॉली गुड फेलो मौजी विनोदी व्यक्ति, जंपिंग डाउन माई थ्रोट, जंपिंग डाउन माई थ्रोट माने किसी से गुस्से में बात करना, जुडास किस माने होता है दया के भाव में छिपा विश्वासघात, जंपिंग ऑफ पॉइंट माने होता है कुछ भी शुरुआत करने का सिरा, जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन मीन्स होता है चकित रह जाना, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड माने होता है सफलता की कामना करना। तो ये तो 491 हुआ, 492 पेज नंबर 492 में पहली मीनिंग है, कीप ए स्ट्रेट फेस, कीप ए स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधा फेस चेहरा, कीप ए स्ट्रेट फेस यानी गंभीर चेहरा, किक्ड अप ए रो, किक्ड अप ए रो मीन्स होता है स्टार्ट ए नॉइजी क्वेरल यानी झगड़ा शुरू करना, किक्ड अप ए रो स्टार्ट ए नॉइजी क्वेरल झगड़ा शुरू करना। नेक्स्ट है कीप एन आई, कीप एन आई मीन्स होता है ध्यान रखना या नजर रखना या जिम्मेदारी लेना। अगला है कीप वंस चिन अप, कीप वंस सी एच आई एन चिन अप, कीप वंस चिन अप मीन्स होता है किसी भी संकट का सामना करने को कटिबद्ध होना, कीप वंस चिन अप। अगला है कीप वंस नोज टू दी ग्रीन स्टोन, कीप वंस नोज टू दी ग्राइंड स्टोन मतलब अपने काम में व्यस्त रहना, कीप वंस नोज टू दी ग्राइंड स्टोन। अगला है कीप समवन एट बे, बी ए वाई, कीप समवन एट बे पीछा करने वालों को पास आने से रोकना, कीप समवन एट बे प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग नियर। नेक्स्ट है की पोजीशन, के ई वाई, की पोजीशन माने होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण पद। नेक्स्ट है कीप दी वॉल्फ फ्रॉम दी डोर, कीप दी वॉल्फ फ्रॉम दी डोर भुखमरी को दूर रखना, कीप दी वॉल्फ फ्रॉम दी डोर मतलब भुखमरी को दूर रखना। नेक्स्ट है टू कीप योर हेड अबव वाटर, टू कीप योर हेड अबव वाटर मीन्स होता है जीवन यापन करने लायक धनोपार्जन या किसी तरह से काम चलाना। नेक्स्ट है कीप योर हेड, आपत्तिकाल में शांत रहना, कीप योर हेड। नेक्स्ट है किथ एंड किन, के आई टी एच और किन के आई एन किन, तो किथ एंड किन मतलब दोस्त और रिश्तेदार। अगला है नो वंस स्टफ एस टी यू डबल एफ, नो वंस स्टफ मीन्स अपने काम की पूर्ण जानकारी होना, नो वंस स्टफ और ऑनियन ओ एन आई ओ एन एस ऑनियंस अपने काम की पूर्ण जानकारी होना। किकिंग अप हिज हील्स, किकिंग अप हिज हील्स माने खुशी मनाना, किकिंग अप हिज हील्स। अगला है कीप इन टच, कीप इन टच मीन्स होता है संबंध रखना या जुड़े रहना, कीप इन टच। अगला है नो हाउ, नो हाउ मीन्स किसी कार्य के करने की पद्धति का ज्ञान, नो हाउ। अगला है नकल अंडर, के एन यू सी के एल ई, के एन यू सी
केयली नकल अंडर माने होता है समर्पण करना। अगला लेबर ऑफ लव, लेबर ऑफ लव मीन्स होता है प्रेम के कारण किया गया कार्य, लाभ के कारण नहीं, लेबर ऑफ लव। अगला इन दी लॉन्ग रन, इन दी लॉन्ग रन मीन्स होता है अंततः। तो ये तो 492 पेज नंबर हुई, एक बार फिर देख लें। कीप ए स्ट्रेट फेस, गंभीर चेहरा। किक्ड अप ए रो, झगड़ा शुरू करना। कीप एन आई, ध्यान रखना, नजर रखना, जिम्मेदारी लेना। कीप वंस चिन अप, किसी भी संकट का सामना करने को कटिबद्ध होना। कीप वंस नोज टू दी ग्रिंड स्टोन, अपने काम में व्यस्त रहना। कीप सम वन एट बे, पीछा करने वालों को पास आने से रोकना। की पोजीशन, अत्यधिक महत्वपूर्ण पद। कीप दी वॉल्फ फ्रॉम दी डोर, भुखमरी को दूर रखना। टू कीप योर हेड अबव वाटर, जीवन यापन करने लायक धनोपार्जन, किसी तरह से काम चलाना। कीप योर हेड, आपत्तिकाल में शांत रहना। किथ एंड किन, दोस्त और रिश्तेदार। नो वंस स्टब या ओनियंस, अर्थात कि नो वंस स्टब और ओनियंस, मतलब अपने काम में पूर्ण जानकारी होना। किकिंग अप हिज हील्स, मतलब खुशी मनाना। कीप इन टच, संबंध रखना या जुड़े रहना। नो हाउ, मतलब किसी कार्य के करने की पद्धति का ज्ञान। नकल अंडर, के एन यू सी के एल ई, नकल अंडर मीन्स समर्पण करना। लेबर ऑफ लव, लेबर ऑफ लव मतलब प्रेम के कारण किया गया कार्य, लाभ के कारण नहीं। और इन दी लॉन्ग रन माने अंततः। तो ये 492 में हुए, 493 पेज नंबर 493 में पहला है। लेफ्ट इन दी लार्ज, एल यू आर सी एच, या लीव इन दी लार्ज होता है। लीव इन दी लार्ज माने होता है विपत्ति या कठिनाई में छोड़ देना। लीव इन दी लार्ज। पुट समबडी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, लीव इन दी लार्ज। अगला है लेजेज फेयर, एल ए आई डबल एस ई जेड, लेजेज फेयर। लेजेज फेयर माने होता है स्वतंत्र आर्थिक नीति, लेजेज फेयर। अगला है लेम डक, डी यू सी के, लेम डक माने होता है आयोग या असहाय, जिसे सहायता की आवश्यकता हो। लेम डक, आयोग असहाय, जिसे सहायता की आवश्यकता हो। अगला है लीड ए हैंड टू माउथ एजिस्टेंस, लीड ए हैंड टू माउथ एजिस्टेंस माने रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। लीड ए हैंड टू माउथ एजिस्टेंस मतलब स्पेंड मनी एज सून एज इट इज अर्नेड, अर्थात रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। नेक्स्ट है टू लोज टेम्पर, एल ओ एस ई टी ई एम पी आर। टू लोज टेम्पर मीन्स होता है टू बिकम वेरी एंग्री, अर्थात क्रोध में आना। नेक्स्ट टू लोज हार्ट, एल ओ एस ई टू लोज हार्ट मतलब टू बिकम डिस करेज्ड माने हतोत्साहित हो जाना। टू लोज हार्ट, हतोत्साहित हो जाना। नेक्स्ट लीड एस्ट्रे, ए एस टी आर ए वाई, लीड एस्ट्रे मीन्स होता है मिसगाइड होना, अर्थात किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाना, लीड एस्ट्रे होता है। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज माने होता है फाल्स प्ली, अर्थात झूठा बहाना, ई एक्स सी यू एस ई, लेम एक्सक्यूज मीन्स झूठा बहाना। अगला है लॉफ इन वंस स्लीव्ड, एस एल डबल ई वी एस, लॉफ इन वंस स्लीव्ड माने होता है मुंह छिपाकर हंसना, लॉफ इन वंस स्लीव्ड। अगला है लोब्स एंड फिशेस, एल ओ वी एल ओ ए वी ई एस, लोब्स एंड फिशेस माने भौतिक लाभ। नेक्स्ट नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू पीपल, नो लव बेस्ट बिटवीन दी टू पीपल, अर्थात एक दूसरे को ना पसंद करना, नो लव लॉस्ट बिटवीन दी टू पीपल, एक दूसरे को ना पसंद करना। अगला है ए लीप इन दी डार्क, ए लीप इन दी डार्क मीन्स होता है अंधेरे में कदम, बिना सोचा समझा कदम। ए लीप इन दी डार्क यानी अंधेरे में कदम या बिना सोचा समझा कदम। नेक्स्ट है लर्न समथिंग बाई हार्ट, लर्न समथिंग बाई हार्ट मतलब
टू कमिट सम थिंग्स टू वंस मेमोरी अर्थात कंठस्थ करना, लर्न समथिंग बाय हार्ट। नेक्स्ट है लीव समवन हाई एंड ड्राई, लीव समवन हाई एंड ड्राई मतलब टू लीव समवन इन ए स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, निसहाय छोड़े हुए या भटकते हुए, लीव समवन हाई एंड ड्राई। अगला है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, लेट बाईगोन्स बी वाई जी ओ एन ई एस बाईगोन्स बी बाईगोन्स, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स मतलब बीती बात भूल जाना, क्षमा करना, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। नेक्स्ट है लोज योर हेड एल ओ एस ई, लोज योर हेड मतलब हिम्मत हार जाना। अगला है लेट हर हेयर डाउन, लेट हर हेयर डाउन मीन्स होता है बेतकलूफ, बेतकलूफ माने रिलैक्स होना। अगला है टू होल्ड समथिंग इन लीज एल ई ए एस एच, एल ई ए एस एच, टू होल्ड समथिंग इन लीज माने अधीन करना, यानी अधीन करना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है लेट इट ऑल हैंग आउट, लेट इट ऑल हैंग आउट मीन्स होता है सब कुछ बता देना, एल ई टी लेट इट ऑल हैंग, कोई लटकने वाला, हैंग आउट सब कुछ बता देना। तो ये तो 493 हुए, फिर एक बार देख लेते हैं। लीव इन दी लर्ज विपत्ति या कठिनाई में छोड़ देना, लेजेज फेयर स्वतंत्र आर्थिक नीति, लेम डक आयोग असहाय जिसे सहायता की आवश्यकता हो, लीड ए हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, टू लोज टेम्पर क्रोध में आना, टू लोज हार्ट हतोत्साहित हो जाना, लीड एस्ट्रे किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाना, लेम एक्सक्यूज झूठा बहाना, लाफ इन वंस स्लीप मुंह छिपाकर हंसना, लव्ज एंड फिशेस भौतिक लाभ एल ओ ए वी ई एस लव्ज फिशेस मछली जानते हो, नो लव लोस्ट बिटवीन द टू पीपल, नो लव लोस्ट बिटवीन द टू पीपल एक दूसरे को ना पसंद करना, ए लीप इन द डार्क अंधेरे में कदम या बिना सोच समझा कदम, लर्न समथिंग बाय हार्ट कंठस्थ करना, लीव समवन हाई एंड ड्राई निसहाय छोड़े हुए भटकते हुए, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स बीती बात भूल जाना क्षमा करना, लोज योर हेड हिम्मत हार जाना, लेट हर हेयर डाउन बेतकलूफ टू होल्ड समथिंग इन लीस एल ई एस एच अधीन करना, लेट इट ऑल हैंग आउट सब कुछ बता देना। तो ये 493 पेज नंबर 495 पे है, 494 है पहला। लिक दी डस्ट एल आई सी के, लिक दी डस्ट मीन्स होता है मारा जाना, एल आई सी के लिक दी डस्ट माने मारा जाना। ए लॉफिंग स्टॉक एस टी ओ सी के, लॉफिंग स्टॉक मीन्स होता है जिसे देखकर हंसी आए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हंसने का पात्र है, स्टूपिड है वो, जिसे देखकर सभी हंसते हैं, ए लॉफिंग स्टॉक। अगला है लिव वायर W I R E, लिव वायर जीने वाला, लिव वायर तो लिव वायर माने बहुत जोशीला और उत्साही व्यक्ति। नेक्स्ट नॉट हैव ए लेग टू स्टैंड ऑन, नॉट हैव ए लेग टू स्टैंड ऑन मीन्स होता है अपने कथन को साबित नहीं कर पाना। अगला बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज माने मोटे तौर पर, लॉक स्टॉक एंड बैरल एल ओ सी के लॉक, एस टी ओ सी के स्टॉक, बैरल बी ए डबल आर ई एल लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब सब कुछ। नेक्स्ट है आई एम एट ए लॉस टू, आई एम इसका मतलब है टू बी एट ए लॉस, टू बी एट ए लॉस माने होता है अनिश्चित होना। नेक्स्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू भविष्य में किसी अच्छी घटना के घटने की कामना करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंटीसिपेट समथिंग विद प्लेजर। नेक्स्ट है टू मेक लाइट ऑफ, टू मेक लाइट ऑफ माने किसी वस्तु को साधारण समझना। नेक्स्ट
टू लीव नो स्टोन अनटर्नड, टू लीव माने छोड़ना, स्टोन माने पत्थर, अनटर्नड माने बिना मुड़ा, तो टू लीव नो स्टोन अनटर्नड मतलब कोई कसर ना छोड़ना, टू लीव नो स्टोन अनटर्नड कोई कसर ना छोड़ना, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड और ऑब्टेन. नेक्स्ट है लुक सेपिस, ASHEEPISH, लुक सेपिस माने शर्मिंदा होना. अगला है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, LAUREELS, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स माने होता है पूर्व की सफलता से ही संतुष्ट रहना, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स. नेक्स्ट है लीड द फील्ड माने अत्यधिक प्रसिद्ध या सबसे आगे होना. नेक्स्ट है टू राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम द एशेस, फोनिक्स PHONIX, टू राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम द एशेस, राख वाला ASHES, टू राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम द एशेस मींस होता है दीनहीन अवस्था से पुनः शक्तिशाली हो जाना, टू राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम द एशेस. नेक्स्ट है लंप सन, LUMP, लंप और सम माने SUM, लंप सम माने छोटी मोटी चीजों की कीमतों को मिलाकर एक रकम. अगला है टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू लुक डाउन वंस नोज एट मींस होता है घड़ा की दृष्टि से देखना. अगला है द लायंस शेयर माने होता है सबसे बड़ा भाग. नेक्स्ट है दी ल्यूनेटिक फ्रिंज, LUNATIC, ल्यूनेटिक फ्रिंज, FRING, ल्यूनेटिक फ्रिंज मीन्स होता है उग्र विचारों वाले. तो ये तो 494 हुए, फिर एक बार देख लेते हैं. लिक दी डस्ट मारा जाना, ए लॉफिंग स्टॉक जिसे देखकर हंसी आए, लिव वायर बहुत जोशीला और उत्साही व्यक्ति, नॉट हैव ए लेग टू स्टैंड ऑन मतलब अपने कथन को साबित नहीं कर पाना, बाई एंड लार्ज मतलब मोटे तौर पर, लॉक स्टॉक एंड बैरल सब कुछ, टू बी एट ए लॉस अनिश्चित होना, लुकिंग फॉरवर्ड टू भविष्य में किसी अच्छी घटना के घटने की कामना करना, टू मेक लाइट ऑफ किसी वस्तु को साधारण समझना, टू लीव नो स्टोन अनटर्नड कोई कसर ना छोड़ना, लुक सीपिस शर्मिंदा होना, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स माने पूर्व की सफलता से ही संतुष्ट रहना, लीड द फील्ड अत्यधिक प्रसिद्ध सबसे आगे होना, टू राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एशेस दीनहीन अवस्था से पुनः शक्तिशाली हो जाना, टू राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एशेस, लंप सम माने छोटी मोटी चीजों की कीमतों को मिलाकर एक रकम, टू लुक डाउन वंस नोज एट घड़ा की दृष्टि से देखना, द लायंस शेयर सबसे बड़ा भाग, ल्यूनेटिक फ्रिंज उग्र विचारों वाले, और 495 पेज नंबर लास्ट इस पार्ट का लास्ट पेज है. पहला है टू मिडास टच, MIDAS, द मिडास टच मीन्स होता है आसानी से धन कमाने वाला, the knack to earn lot of money with ease, the midas touch माने आसानी से धन कमाने वाला. अगला है magnum, NUM, magnum, MAGNUM, magnum opus, OPUS, magnum opus means महान कार्य. अगला है a man of mark माने एक प्रसिद्ध व्यक्ति, a man of mark means a renowned person, एक प्रसिद्ध व्यक्ति. next Make a clean sweep मतलब बेकार की चीजों को निकाल देना, प्रतियोगिता में सभी संभव पुरस्कार जीत लेना, Make a clean sweep. Next make a figure माने एक अलग स्थान बनाना, Distinguish oneself. अगला है Make a mess of माने सत्यानाश कर देना. नेक्स्ट है make hay
व्हाइल द सन शाइंस, अवसरों का भरपूर लाभ उठाना। नेक्स्ट है मेक वंस मार्क, मेक वंस मार्क मतलब कीर्ति प्राप्त करना। अगला है मालाफाइड, एम ए एल ए मालाफाइड एफ आई डी, मालाफाइड माने बुरे विश्वास से किया गया कार्य। नेक्स्ट है मैमन वार्शिप, एम ए डबल एम ओ एन मैमन वार्शिप माने धन की पूजा, मैमन वार्शिप। अगला है ए मैन ऑफ हिज वर्ड, ए मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब वादा निभाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स मतलब विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है मेक गुड दी लॉस, मेक गुड दी लॉस मतलब क्षतिपूर्ति करना, घाटे की पूर्ति करना, कॉम्पेंसेट। अगला है ए मैन इन दी स्ट्रीट, ए मैन इन दी स्ट्रीट माने आम आदमी। अगला है मैटर ऑफ कोर्स, मैटर ऑफ कोर्स माने संभाविक, जिसकी संभावना। मीनली माउथेड, स्पष्ट रूप से सच्ची बात ना कहने वाला, मीनली माउथेड। अगला एक मील स्टोन, एम आई एल ई, ए मील स्टोन मतलब एक महत्वपूर्ण घटना। नेक्स्ट है माइंड वंस पीज एंड क्यूज, पी बहुवचन और क्यू बहुवचन, क्यू बहुवचन तो माइंड वंस पीज एंड क्यूज मतलब बहुत सावधान रहना। अगला है मिस द बोट, एक मौका खोना, मिस द बोट मतलब एक मौका खोना। तो ये 495 की थी, एक बार और देख लेते हैं। द मिडास टच, आसानी से धन कमाने वाला। मैग्नम ओपस, महान कार्य। ए मैन ऑफ मार्क, एक प्रसिद्ध व्यक्ति। मेक ए क्लीन स्वीप, बेकार की चीजों को निकाल देना, प्रतियोगिता में सभी संभव पुरस्कार जीत लेते। मेक ए फिगर, एक अलग स्थान बनाना। नेक्स्ट है मेक ए मेस ऑफ, सत्यानाश कर देना। नेक्स्ट है मेक हे वाइल दी सन साइंस, अर्थात अवसरों का भरपूर लाभ उठाना। नेक्स्ट है मेक वंस मार्क, यानी कीर्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट है मालाफाइड, मतलब बुरे विश्वास से किया गया कार्य। अगला है मैमन वार्शिप, यानी धन की पूजा। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ हिज वर्ड, अर्थात वादा निभाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है मेक गुड दी लॉस, क्षतिपूर्ति करना, घाटे की पूर्ति करना। नेक्स्ट है ए मैन इन दी स्ट्रीट, आम आदमी। नेक्स्ट है मैटर ऑफ कोर्स, संभाविक, जिसकी संभावना हो। नेक्स्ट है मीनली माउथेड, स्पष्ट रूप से सच्ची बात ना कहने वाला, मीनली माउथेड होता है। और एक मील स्टोन, एक महत्वपूर्ण घटना। नेक्स्ट है माइंड वंस पीज एंड क्यूज, माने बहुत सावधान रहना। और लास्ट है 495 का मिस दी बोट, एक मौका खो देना। तो इस तरीके से ये 495 पेज नंबर तक हुए।